बोली जा रहे हैं, वो बार बार आके एयर होस्टेस उनको कह रही है, आगे से एयर होस्टेस को हंस हंस के देख रहे हैं, उसको जिस तरह चिढ़ा नहीं रहे होते कि हम तो करेंगे जो करना कर लो। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। भाई इस टाइम में बाकू में हमारी बाकू सीरीज चल रही थी, अगर मेन चैनल पे आपने वीडियोस देखी हो तो आज फाइनली हमने बड़ा मज़े का बाकू के अंदर टाइम गुजारा। दो वीडियोज़ हैं, अगर आपने देखी है मेन चैनल पे तो वेल एंड गुड, नहीं तो जाके आप देख सकते हैं। हमने बाकू के बड़े मज़े मज़े के खाने खाए, बड़े मज़े मज़े की जगह देखी। खैर आज का प्लान ये है कि आज अभी रात का 1 बजा हुआ है, यहाँ से मैंने अपना सामान पैक करना है। सामान पैक करके मेरी फ़्लाइट है यहाँ से तुर्की, भाई जा रहे हैं इस्तांबुल। ये जो सारा मेस क्रिएट हुआ है ये भी मैंने समेटना है, पूरी पैकिंग करनी है। मतलब चीज़ें अंदर ही हैं लेकिन इधर उधर पड़ी हैं, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, हार्ड ड्राइव्स और इस तरह की चीज़ें, इनको ज़रा सेट करके रखना होता है क्योंकि ये भूलने का ज़्यादा खतरा होता है। अभी पैकिंग का टाइम है, 3:09 हो चुके हैं, मेरी फ़्लाइट है 6:55 पे, और बाकू की गलियों में आखिरी बार फिर मिलेंगे बाकू कभी, अगर कभी मैं आया फिर मिलेंगे, हाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी फ़िलहाल मेरी बोल्ट पहुँचने वाली है, मैं जल्दी से बैठ के ज़रा एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ, फिर बाकी डिटेल बताता हूँ। ये गाड़ी है, ओके मौलवी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, जल्दी मिलते हैं, ओके बाय टाटा। बैग इन द बंजारा जोन, आगे भी बैग आ चुका है, पीछे भी बैग आ चुका है, और अभी फ़्लाइट में टाइम है तकरीबन 1:55। फ़िलहाल बैठूंगा एयरपोर्ट पे, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पी लूँगा, कुछ ऐसा करूँगा। एयरपोर्ट ज़रा छान मारेंगे इनका क्या होता है यहाँ पर। मैं तो नीचे चेक इन की लाइन में लगा हुआ था, मैंने अभी नोटिस किया बाहर तो रोशनियाँ हो चुकी हैं। यार बापू का दिन बहुत लंबा होता है यार, यकीन करो मैं जितने एयरपोर्ट फिरता जा रहा हूँ ना, मतलब जब मैं आया था बाकू तब तो मैंने एयरपोर्ट देखा नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत छोटा, 10 मिनट में पूरा एयरपोर्ट देख सकते हो, लेकिन इतना प्यारा वेल डिज़ाइंड। ये आप पीछे आपको देखो, ये पूरे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने सारा आर्ट वर्क किया हुआ है, बीच में दरख्त, खूबसूरत टाइल्स, लाइट्स बीच में। अब ये देखो इस तरफ सारी इनकी ये शॉप्स हैं, आप कोई भी शॉपिंग करो। उसके अलावा ये जो इतने बड़े बड़े इन्होंने ये कड़ोप चूसे बनाए हुए हैं, इनके अंदर कैफ़ेज़ हैं, इसके अंदर भी दूसरी साइड पे कैफ़े है, और वहाँ जाएंगे तो बैठने का एक खूबसूरत एरिया बना हुआ है। लुक एट दिस यार, ये गो स्लीप जो आपको नज़र आ रहा है 1, 2, 3, और इधर भी ये लाइन के अंदर लगे हुए हैं। अब ये आप मतलब थोड़ी सी इसकी वो फ़ी आपने पे करनी होती है और आप इसके अंदर सो सकते हो। ये पूरा एक बंदा सोया हुआ, वो पाएगी जैकेट भी बाहर लटक रही है, तो वो आके इसके अंदर आप सो जाओ। अगर फ़्लाइट में टाइम है, कितने पहुंच चुके ने, साड़ियाँ कुर्सियाँ नहीं सीधी होनी अभी हाले। अभी मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली है, बैठ के थोड़ी देर कॉफ़ी पीऊँगा क्योंकि टाइम हो चुका है 5:40 ऑलमोस्ट, और 6:15 पे मैंने अंदर जाना है, 6:55 पे जहाज ने उड़ना है, और मैं जा रहा हूँ टर्की। अभी आगे इस्तांबुल जाके फिर आगे प्लान करते हैं क्या करना है, दिन मेरे पास आगे काफ़ी हैं। एक पूरी सीरीज़ में बड़ी मज़ेदार किस्म की सोची है मैंने, अभी देखते हैं जाके प्लान करूँगा सीधा। फ़िलहाल तो बंजारों वाली ज़िंदगी चल रही है, इधर से सामान उठाया उधर में। वैसे तुर्की को मैं इतना मिस कर रहा हूँ, पिछले कितने अरसे से मेरा ये तुर्की वाला वीज़ा लगा भी हुआ है तकरीबन 3-4 महीने पहले का, लेकिन इतना वो बिजी स्केड्यूल, ये वो चीज़ें चल रही थी कि मैं जा ही नहीं पा रहा था। खैर अभी यहाँ से इस्तांबुल कोई 3-5 दिन शायद मैं इस्तांबुल रहूँगा, उसके बाद आगे देखते हैं तुर्की के अंदर। लास्ट टाइम मैं आया था सिर्फ इस्तांबुल देख के चला गया था, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं और भी तुर्की के सिटीज़ को देखूँ कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो जाके सारा आगे प्लान करूँगा, आपको आगे सीरीज़ में पता लगता रहेगा। तो ये प्लान है फ़िलहाल कि अभी फ़्लाइट है, बस इस्तांबुल पहुँचना है। पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ, सुबह हो चुकी है, और आते हुए भी मैं वो बोल्ट के अंदर सो गया था, चाचा ने एयरपोर्ट के सामने आके ब्रेक लगाई तो मैं उठाऊँ। अभी मेरे ख्याल है मैं जहाज़ में बैठते ही सो जाऊँगा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे जब नींद आई हो तो जहाज़ के एक चूटे से भाई सो जाता है फुल। कॉफ़ी पीऊँगा उसके बाद अंदर प्लेन में जाऊँगा, उसके बाद अगर तो सो गया तो इस्तांबुल जाके मिलूँगा, नहीं तो
लेकिन अच्छा ये हुआ है कि सीनरी ऐसी है कि मैं आपको मतलब वो होता है ना कि प्लेन जब अपनी हाइट पर चला जाए तो नीचे कुछ नहीं नज़र आता, यहाँ ग्रीन लश ग्रीन पहाड़ ऐसे किसी एरिया के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा रहा है एर्जुरम और ऐसे कुछ शहर हैं, अब ये मैं जाके सर्च करूँगा ट्रैप जोन, इस तरह के ये शहर आ रहे हैं। क्या भरपूर बादलों ने इस्तांबुल में हमारा वेलकम किया है। थैंक यू। अच्छा भाई, आज जो मैंने ज़िंदगी में ये सीन देख लिया ना, बेसिकली एक अज़रबैजान की किसी कंपनी का ट्रिप था, तो ऑलमोस्ट कोई 60% प्लेन उनकी सीट्स नहीं बुक किया हुआ था और उन्होंने कोई अन्नी डाल दिया फ़्लाइट के अंदर, मतलब वो खड़े हो गए, अभी जहाज़ चलना शुरू है रनवे पे, खड़े हो गए, उन्होंने कहा उसको बैठो, उनको बिठाया, सीट बेल्टें लगवाईं। उम्र मैं बता देता हूँ आपको उनकी 35 से 40 साल, ये इतनी उम्र के थे सारे। उसके बाद जहाज़ ऊपर गया, वो अभी साइन भी नहीं आया बेल्ट खोलने का, सौ वो फिर खड़े हो गए, गई जा रहे हैं, अंताक्षरियाँ खेल रहे हैं, पूरे प्लेन का स्टाफ बार बार आके उनसे उन्होंने लड़ाई, जितना उनको अलाउ होता है लहजे अपने ऊपर लेके जाना वो किया उन्होंने। लेकिन वो भाई ढीठ नस्ल, यकीन करो मुझे लगता था कि हम पाकिस्तानी ही सिर्फ इतने कोई बेहदती तरीन कौम है, लेकिन आज जो मैंने बेहदती कौम देख ली है, आपकी सोच है 35-40 साल उम्र कॉरपोरेट ट्रिप एक, और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आंटियाँ अंकल सारे मिलकर बोली जा रहे हैं, वो बार बार आके एयर होस्टेस उनको कह रही है, आगे से एयर होस्टेस को हंस हंस के देख रहे हैं, उसको जिस तरह चिढ़ा नहीं रहे होते कि हम तो करेंगे जो करना कर लो। अभी तक उन्होंने पूरे प्लेन में शोर गाने, और मतलब यार मैं हैरान हो रहा था कि प्लेन का पूरा स्टाफ आके उनको रोक रहा है, ज़बरदस्ती मतलब सख्ती से रोक रहा है, प्यार से रोकने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं आ लामा जहाँ हो पहुंच चुका हूं मैं अपने रूम में। बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया उसके बाद, क्योंकि मैं आपको तुर्की के भी कुछ झलकियां दिखाना नहीं चाहता। तो खैर, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआ में याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। और अभी आगे शुरू होगी हमारी टर्की सीरीज़, बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन कल सुबह से जाग रहा हूँ तो इसलिए अभी चेहरा वेरा सब लटका हुआ है मेरा फिलहाल, तो मैं सोऊंगा और उठूंगा फिर देखते हैं आगे क्या करना है।